दोस्तों, जैसा आप सबको मालूम है कि मैं एमपी के सफर पे हूँ और एमपी में आया हूँ, तो आपको एमपी के कुछ नज़ारे दिखाऊंगा और साथ में कुछ आपको यहाँ आदिवासी लोग हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो आप मेरे साथ में बने रहे मेरे। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता रहा था कि मैं अभी एमपी में हूँ और एमपी के सफर पे हूँ, तो देख लीजिए अभी हम लोग सफर पे हैं और सफर के दौरान आप लोग देख रहे हो ये महिला है जो कुछ काट के लेके आई है और इसे क्या बोलते हैं आप लोग मुझे जरूर बताना। और आप लोगों को जंगल के नज़ारे भी दिखाऊंगा, साथ में कुछ आदिवासियों की ढाणी है वो भी दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ में यूं ही बने रहना मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, जब हम लोग जंगल में रहते हैं तो जंगल में किस तरह से लोग रहते थे ये देखिए, किस तरह के मकान बनाते थे, वो झोपड़ी थी उनकी वो इस तरह की थी और साथ में उनके जो संसाधन थे, देखिए आप बैलगाड़ी आप लोग देख पा रहे होंगे, इन संसाधनों पर वो चलते थे, काफ़ी दूर दूर तक हज़ारों मील इनसे यात्रा करते थे। तो आप लोग ये देख लीजिए, जंगल के बीच में ये झोपड़ी बनी है जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही है और हरियाली नज़र आ रही है, आप लोगों को हरियाली भी नज़र आ रही होगी। तो ये जो मेरा ब्लॉग है उसमें आप लोगों को ऐसे ही मैं नज़ारे दिखाऊंगा, तो मेरे साथ में यूं ही बने रहना आप लोग। दोस्तों, जैसा आप लोगों को मैं बता रहा था कि मैं अभी एमपी में हूं और एमपी की अगर हम बात करें तो अभी कूनो यहाँ अभ्यारण्य जो चीता अभ्यारण्य है, यहाँ पर कूनो के अभ्यारण्य में चीते छोड़े गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, तो उसी जंगल में हूँ और मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर चीते पानी पीने आते हैं। ये देखिए आप लोगों, बड़े ध्यान से देखिए चीज़ को, यहाँ चीते हैं जो पानी पीने आते हैं। और अभी जो ये अभ्यारण्य है, जो कूनो का अभ्यारण है, यहाँ पर चीते लाए गए हैं, लेकिन कुछ चीते भी यहाँ मर भी गए थे, लेकिन फिर भी उनकी व्यवस्था की जा रही है, देखी जा रही है। तो देख लीजिए पूरा जंगल है, ये मैं कितना रिक्स लेके आप लोगों को ये कूनो का जंगल दिखा रहा हूँ, ये हो सकता है मेरे साथ भी कोई बड़ा हादसा हो जाए, लेकिन नहीं, आप मेरे जो ऑडियंस है उनको भी तो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी होती है। और हम लोग अगर सुंदरता की बात करें तो देख लीजिए आप, पानी के बीच में जो पेड़ है, सूखा पेड़ है, वो कितना सुंदर दिख रहा है। तो नेचर में वास्तव में दम है और नेचर अपनी ओर खींचता भी है। तो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं एमपी में हूँ और एमपी के मैंने कूनो के जंगल की बात की और उसके साथ ही एमपी में हम आपको दिखा पा रहे हैं ये नहर है, ये करनाल है, ये देखिए आप, ये करनाल है और ये करनाल को आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए ये बहुत लंबी करनाल है। और इस नहर की अगर बात करें तो ये कोटा से आ रही है और कोटा से होते हुए ये नहर, यहाँ के जो खेती के किसान हैं उनको यहाँ फसल का आनंद मिलता है इस पानी से, देखिए। और ये ग्वालियर तक जाती है, तो वास्तव में जो ऐसी नहर है इससे जो किसान हैं उनकी आजीविका चलती है, क्योंकि वो फसल उगाते हैं। तो दृश्य बहुत ही शानदार है और ये दृश्य मैं आप लोगों को इसलिए दिखा पा रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में इतनी चौड़ी और लंबी नहर देखने को नहीं मिलती है, विशेषकर हमारी तरफ सवाई माधोपुर की तरफ की बात करेंगे, उधर बीकानेर साइड तो मिलती है लेकिन यहाँ सवाई माधोपुर में नहीं मिलती है। तो बहुत ही शानदार जगह और इस नहर से बहुत लोगों का भला भी होता है। दोस्तों, जैसा आप लोगों को मैं बता रहा था कि मैं एमपी में हूँ और एमपी का सफ़र पे हूँ, वहीं सफ़र के दौरान मैंने यहाँ पर देखा कि खेतों में आग लग रही है और काफ़ी जगह आग लग रही है, उसके बाद में खेत काले पड़ रहे हुए हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखिए आप, तो ये पराली है, इसको बोलते हैं पराली, ये देखिए आप, ये देख पा रहे हैं ये पराली है और इस पराली को जलाया गया। और हमारे साथ में भाई हरीश जी भी है, वो भी कुछ बताएंगे। तो ये पराली क्यों जलाते हैं और सबसे बड़ा इशू अगर इस पराली की हम लोग बात करें तो ये दिल्ली में बहुत बड़ा इशू है, तो हमारे साथ में हरीश जी जो हमको कुछ बता रहे थे। किसान जो हाईकोर्ट है उसने पराली जलाने पर रोक लगा रखी है, उसके बाद भी किसान लगातार जला रहे हैं, इससे जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा फैलता है और आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। जबकि कोर्ट के बावजूद भी यहाँ के जो प्रशासन है इसको नहीं रोक पा रहा है और लोग किसान जो है वो कंटिन्यू खेतों में आग लगा के जला रहे हैं और वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। तो ये हानिकारक है? हानिकारक, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इस पर क्या हो सकता है, क्या रोक लगाई क्या कभी सरकार ने? प्रशासन की तरफ से और हाईकोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक है इस पर जलाने पे, खेत में कोई भी पराली नहीं जला सकता किसान, लेकिन फिर भी जलाते हैं किसान। बिल्कुल, फिर भी जला रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्या नाम है, क्राइम है, क्राइम है, क्राइम है, बिल्कुल। इस पर जुर्माने का भी प्रावधान है।
अगर कोई इसकी शिकायत कर देता है इस पराली जलाने पर, तो किसान के ऊपर एक तरह से सजा हो सकती है उसको, या अभी जुर्माना है? जुर्माना तो आज तक किसी को हुई नहीं है, ये जुर्माना है। जुर्माना है तो भाई इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, अगर किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये पराली जलाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, और इस क्राइम से बचना चाहते हो तो इस तरह से नहीं करें, आम पब्लिक के लिए नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा। दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने सफ़र किया एमपी का, और एमपी में मैंने आप लोगों को पूना पार्क दिखाया, और उसके साथ में वहाँ पर कुछ लोगों ने, किसान लोगों ने आग जला रखी थी, वो भी दिखाया फसलों में। तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को मेरा सफ़र कैसा लगा ज़रूर बताना, और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए तो घंटा ज़रूर बजाएं, जैसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।